नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे, और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी, आपको सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी क्वेरी हो, आप इस पे कर सकते हो, पूछ सकते हो उसके बारे में, और एक पर्टिकुलर टाइम पे। बट आपको कमेंट तो आप इस पे कर ही सकते हो कि यहाँ पे अपना फीडबैक देते रहो कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, और इसमें क्या करेक्शन किया जा सकता है, और कौन से आपको वीडियो और भी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि मैक्सिमम उसमें लोग करते रहते हैं ऐसे चीज़ें, तो आप भी ज़रूर करिए इसमें। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ लिया था। हम लोगों ने इसमें शिक्षा के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके विचार, उसके प्रकार आदि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कानून एवं रीति रिवाज के संदर्भ में पढ़ेंगे। कानून एवं रीति रिवाज, जो कानून, कानून क्या है, रीति रिवाज क्या है, ये सब क्या काम होता है इसका समाज में, ये सब सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कानून एवं रीति रिवाज, कानून एवं रीति रिवाज, तो कानून का यहाँ पे देखिए, कानून एवं रीति रिवाज अगर आपके सामने आता है तो दोनों क्या होते हैं, दोनों ही सामाजिक नियंत्रण के क्या होते हैं, साधन होते हैं। यानी समाज में व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन में ये क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। कौन? कानून एवं रीति रिवाज। और दोनों ही माध्यम होते हैं नियंत्रण बनाए रखने में समाज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे बात, एक क्वेश्चन और आता है कि अगर दोनों ही एक ही हैं, दोनों सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्यों है? मतलब दोनों एक ही बात फिर कहना चाहिए था, दोनों बातें क्यों कही जा रही है, दो चीज़ें क्यों कहा जा रहा है, रीति रिवाज अलग से और इसको कानून अलग से क्यों कहा जा रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि कानून इसलिए अलग कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कानून जो है वो औपचारिक नियंत्रण का साधन होता है। यानी अगर आपसे कानून पूछा जाए तो ये क्या है, ये औपचारिक क्या है, साधन है, औपचारिक साधन है। और जबकि रीति रिवाज अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या होता है, ये अनौपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है। तो आपको एक पता चल गया कि कानून क्या है, औपचारिक साधन है, और रीति रिवाज क्या है, अनौपचारिक साधन है, जो सामाजिक नियंत्रण में क्या करता है, सहयोग, जो सामाजिक नियंत्रण में सहयोग प्रदान करता है, एक प्रकार साधनात्मक रूप में कार्य करता है ये दोनों। अब यहाँ पे देखिए, मैंने औपचारिक और अनौपचारिक, जैसा कि मैं आपको शिक्षा वाले में ही मैंने आपको समझा दिया था, वहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो औपचारिक और जो अनौपचारिक होता है, ये दोनों की जो मीनिंग है वो हर जगह पे मैक्सिमम मैक्सिमम एक ही होता है। मतलब वही जो सेम हर जगह पे, जिस जगह पे औपचारिक की जो भी मीनिंग होगी, वही वही मीनिंग सेम वहाँ पे भी होती है। निश्चितता यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर ना कानून जो होता है, कानून आप देखते हो ना कि निश्चित है सारी चीज़ें, उसके बनाने में, उसके निर्माण में, लागू करने में, ठीक है, उसके जो निर्माणकर्ता होते हैं, जो उसमें तत्व होते हैं, आदि चीज़ें, सारी चीज़ें क्या होती हैं इसमें, निश्चित होती हैं। जबकि रीति रिवाज में क्या होता है, कोई निश्चितता नहीं होती, चाहे वो उद्देश्य आधारित हो, उद्देश्य आधारित हो, चाहे वो निर्माण के आधार पर हो, किसी भी तरीके से क्या होती है, निश्चितता नहीं होती है। तो निश्चितता और अनिश्चितता, एक पॉइंट अगर आप इसके थ्रू अगर ध्यान रख सकते हो, तो ध्यान कर सकते हो कि क्या चीज़ इसमें डिफरेंस है। आइए हम आगे और चलते हैं फिर। ये आपको क्लियर हो गया कानून और रीति रिवाज। रीति रिवाज ये प्रकार, रीति रिवाज आप सिंपली अगर आप जान लेते हो, कानून क्या है, एक ये रीति रिवाज की ही है पार्ट, लेकिन रीति रिवाज को जब वैलिडिटी प्रदान कर दी जाती है, जो मनुष्य के जो कार्य व्यवहार है, जब उन कार्य व्यवहारों को एक वैलिड फॉर्म में जब कर दिया जाता है, वैधता प्रदान कर दिया जाता है, तो वो कानून का रूप धारण करते हैं। और रीति रिवाज क्या है, ये सामान्य जो व्यक्ति समाज में जो सामान्य कार्य व्यवहार करता है, वही सब क्या होता है, वही रीति रिवाज है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि व्यक्ति के जो सामान्य कार्य व्यवहार है, सामान्य कार्य व्यवहार, ये क्या है, ये रीति रिवाज होते हैं।
अब आगे हम आइए चलते हैं, थोड़ा और डीपली जान लेते हैं कानून के संदर्भ में और विचार। तो कानून क्या है? कानून एक औपचारिक साधन होता है जो समाज में नियंत्रण स्थापित करने तथा समाज को संचालित करता है, ठीक है। अब प्रथा क्या है? प्रथा भी क्या है? एक अनौपचारिक प्रतिमान का स्वरूप है जो समाज के संचालन में क्या करता है, सहयोग करता है। आपको देखो दोनों सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे औपचारिक साधन, यहाँ पे अनौपचारिक साधन। आपसे एग्जाम में जब भी पूछेगा तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि कानून अनौपचारिक साधन है या औपचारिक साधन है, प्रथा औपचारिक साधन है या अनौपचारिक। तो आप क्लियर, अब आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। प्रथा का देखिए यहाँ पे बताया गया कि प्रथा का उद्भव कैसे होता है। तो प्रथा का उद्भव जन रीतियों के परस्पर हस्तांतरण और हस्तांतरण के साथ, जब उसे एक बृहद समाज समूह के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कल्याण की भाव और उसके साथ साथ कल्याण की भावना जब उसमें समावेश होता है, कल्याण के समावेश की समा कल्याण की भावना का समावेश होता है, और इसकी वजह से इसे क्या कर दिया जाता है, इसे समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। कि मतलब स्वीकृति मतलब यहाँ पे आशय कि इसको मान्यता दी जाती है कि ये व्यक्ति के लिए करना इसका अनिवार्य है। अगर व्यक्ति नहीं करता है तो वो समाज का व्यक्ति या समाज की चीज़ों से क्या हो जाएगा, वो बहिष्कृत हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो प्रथा क्या है? प्रथा में थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, काफ़ी गंदा लग रहा है। तो प्रथा क्या है? प्रथा का उद्भव जन रीतियों के परस्पर हस्तांतरण और इसमें जब सामाजिक कल्याण की भावना जब विद्यमान हो जाती है तो उसे समाज द्वारा क्या होती है, स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। ये विशेषता किसकी है? प्रथा की। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और उठता है कि प्रथा अलिखित एवं अनियोजित स्थायित्व, देख रहे हो, मतलब ये स्थायी होता है लेकिन अलिखित है, मतलब इसके जो नियम, जो कानून है, जो व्यवहार पर आधारित जो नियम और कानून है, वो नियम कानून अलिखित है, मतलब कहीं लिखे नहीं है। जैसे आप अगर कानून का अगर देखते हो, आप औपचारिक साधन है ना ये, जब इस पे आप देखते हो कानून की ये क्या है, इसमें क्या होता है, आप देखते हो कि संविधान, जो हमारा संविधान है उसी को आधार मानकर क्या करते हैं, जो व्यवहार होते हैं, व्यवहारों में संशोधन और व्यवहारों के आधार पर एक लॉ एक क्या करता है, तैयार किया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई आधार नहीं होता। इसमें आधार भी अगर होता है तो वो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, अब जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पुरोहित हैं उनके द्वारा जो कह दी गई बात होती है उसी को क्या मान लेते हैं, सत्य मान ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अलिखित और अनियोजित, नियोजित नहीं होता है, तुरंत किसी ने कुछ कहा और उसी के आधार पर उसका नियम कानून बन गया। ऐसा नहीं कि हाँ पूरी पूरी पूर्व में कहे, पूर्व में सब सारी चीज़ें धारणाएं चली आ रही हैं लेकिन वो लिखी नहीं है, ठीक है। तो अनियोजित स्थायित्व तो होता है, स्थायी भी, स्थायीपन भी होता है इसमें, ध्यान रखिएगा, अलिखित, अनियोजित और स्थायीपन, ये विशेषता होती है प्रथा की। आइए हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं पेज और फिर हम और जानते हैं इसके बारे में और सब सारे क्या है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक सेकेंड, चलिए। तो हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, तो ये अलिखित होता है, अनियोजित स्थायित्व होता है, और इस ये कोई औपचारिक संस्था इसमें नहीं होती। जैसा कि उसमें कानून में आप देखते हो औपचारिक संस्था है, संस्था कौन सी है, राज्य है, ठीक है, राज्य है, सरकार है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे औपचारिक संस्थाएं हैं, जबकि यहाँ पर इसका अस्तित्व नहीं होता है किसी भी औपचारिक संस्था का। कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण जैसा कि अंतर विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत आदि चीज़ें क्या होती हैं, क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। किसके अंतर्गत? ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब संस्था के ही रूप हैं, और ये सब सारी चीज़ें किस में समावेश होता है, प्रथाओं के अंतर्गत होता है। अब हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ फिगर टाइप में मैंने बनाया है, ये फिगर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जनरीति देखिए, ये मैं आपको देखा, मैं मेरा टारगेट यही रहता है कि कुछ जो जो लाइनें हैं, लाइनों में आपका एक भी वर्ड आपसे ये न रहे कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो मेरा यही प्रयास रहता है। तो इसमें देखिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जनरीति एक नया वर्ड आया था, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में, किसी विचारक ने कैसे इसको समझाया है या एक सामान्य रूप में इसकी क्या परिभाषा होती है। तो जनरीति व्यक्ति के दैनिक जीवन के व्यवहार एवं समाज द्वारा उसे स्वीकृति प्राप्त होना, ये क्या कहलाती है, जनरीति, यानी व्यक्ति के जो दैनिक कार्य व्यवहार है, ठीक है, वही जनरीति है।
अब जनरीति को मैकाइबर ने क्या कहा है, तो मैकाइबर ने इसे जनरीति को समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणाली माना है। देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चंस में आ चुका है यूपीपीएससी के एग्जाम में कि ये सेंटेंस जनरीति के संदर्भ में किसने कहा है, तो मैकाइबर और पेज ने कहा है। तो जनरीति समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणाली है, किसने कहा, मैकाइबर ने। जीवन जीने की कला किसने कहा, जीवन ये एक प्रकार की जीवन जीने की कला भी इसे कही जा सकती है, किसे, जनरीति को। आइए आगे हम चलते हैं, अब जनरीति और प्रथा में अंतर जानते हैं, ठीक है। तो जनरीति और प्रथा में अंतर क्या है, लोक रीति या जनरीति एक ही होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो लोक रीति क्या होती है, सामूहिक व्यवहार का पहला चरण होता है। आप देखते हो जो व्यवहार किया था, व्यवहार का क्या होता है, ये पहला चरण है, इसमें कुछ अभी परिवर्तन नहीं हुआ है ना, कुछ बहुत बड़ा इसमें विकास हुआ है। और प्रथा क्या होता है, ये अंतिम विकास होता है। क्यों, अब अंतिम और शुरू का क्यों कहा गया है, ये हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। देखिए पहला क्यों कहा गया, क्योंकि मैंने आपसे जैसे बताया कि व्यक्ति सामान्य कार्य व्यवहार करता है, सामान्य कार्य व्यवहार, कोई विचार आया व्यक्ति के मन में, विचार आया और विचार के आधार पर फिर उसने क्या किया, कार्य किया, और कार्य किया तो कार्य व्यक्ति ने किया, व्यक्ति विशेष आधारित कार्य था, तो ये क्या हो गया, पहला चरण हो गया, कोई किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने कोई कार्य व्यवहार किया। अब उस कार्य व्यवहार को उसका वो कार्य व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनाया गया, दूसरा व्यक्ति को अच्छा लगा इसलिए वो अपनाया ना, तो अपनाया गया, तो एक व्यक्ति किया, दूसरा व्यक्ति किया, दूसरे व्यक्ति का तीसरा किया, ऐसे ऐसे करके पूरा समूह क्या कर देता है, उसे करना शुरू कर देता है। और इस प्रकार क्या हो गई, इसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई, और समाज द्वारा जब मान्यता प्राप्त हो जाती है तो आप देखते हो ना, समूह कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसमें समूह कल्याण की भावना निहित होती है ना, क्यों, क्योंकि सब लोग शामिल, सब लोग इसको अपना रहे हैं, तो इस प्रकार से ये अनिवार्य हो जाता है और कहा जाएगा कि ये कल्याण के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसको करना चाहिए, ये चीज़ें, ये भावना हो जाती है। और वो फिर किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रथाओं में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था इसके पीछे कि लोग समूह के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है, उसमें समूह कल्याण की भावना उत्पन्न होती है, तो ये प्रथा क्या हो गई, अंतिम विकास, विकसित रूप है, अंतिम रूप है, और इसे कहेंगे विकसित रूप। किसका विकसित रूप, सामान्य व्यवहारों का विकसित रूप। आई होप समझ में आ गया होगा, लोक रीति और प्रथा। आगे आइए चलते हैं, यह समूह की आदत होती है, कौन, लोक रीति, जबकि ये समूह का में विश्वास है। आप देखिए आदत और विश्वास में बहुत डिफरेंस है। आदत क्यों ये कहा जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति की आदत, एक व्यक्ति की या दूसरा व्यक्ति की, मतलब एक व्यक्ति से मतलब क्या हो रहा है, आदत बन रही है एक दूसरे की, और आदत से जब विश्वास उत्पन्न, विश्वास कब उत्पन्न होगा, जब एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों से बना एक बड़ा समूह क्या करेगा, उस व्यवहार को अपनाना शुरू कर देगा, तो वो विश्वास में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये आवश्यक नहीं है लोक रीति, जबकि प्रथा क्या है, समूह हित के लिए रक्षार्थ है, रक्षार्थ होने की वजह से इसे अनिवार्य कर दिया जाता है, कि प्रथा को अनिवार्य रूप से पालन करना है, जबकि इसके लिए अनिवार्यता इतनी नहीं है कि आप पालन ही करो, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अनिवार्यता नहीं होती, जबकि प्रथा में क्या होता है, अनिवार्यता शामिल होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, और काफ़ी समझ में आ गया होगा जो भी डाउट्स इसके रहे होंगे। अभी अभी और भी कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर इसको कमेंट के थ्रू आप जब बताइएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक करिए करिए और कमेंट्स किया करिए, ठीक है, इससे। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। हाँ नेक्स्ट पेज देखिए ये है, हाँ तो हम देखिए मैं आपको देखिए मैं आपको ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, और क्वेश्चंस अब मेरे लाने का मतलब ये था कि मैं क्वेश्चंस आपको, मैंने अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था समझा दिया था, उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण मुझे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव के मिले थे। मैं छोटे क्वेश्चंस ऐसे नहीं लाऊंगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा समझाने की चीज़ें थी इसलिए मैं इसको रखा। क्वेश्चंस ये आईएएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चंस, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं क्वेश्चंस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस है यहाँ 482, आप मत सोचिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में दबाव समूह का निम्नलिखित में से प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा पूंजीवादी व्यवस्था में दबाव समूह का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्य है। आपको पहले बात तो पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था एक प्रकार से आधुनिक व्यवस्था है, ठीक है, आधुनिक, जिसमें पूंजी को प्रधानता दी जाती है, जबकि
अगर वहीं पे प्राचीन समाज लेते हो तो वहां पर पूंजी प्रधान नहीं, ठीक है, पूंजी को वरीयता नहीं दी जाती है, लाभ को नहीं दिया जाता है वरीयता, निजी स्वामित्व का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पूंजीवादी व्यवस्था। आप पूंजीवादी को समझने के लिए आप जाके कार्ल मार्क्स या जो भी होगा आप इससे संबंधित पढ़ सकते हो। तो हाँ, पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता दबाव समूह होती है। दबाव समूह की विशेषता प्राचीन समाज की विशेषता नहीं है, पूंजीवादी समाज की ही विशेषता है। आप ये ध्यान रखिए, ऐसे बड़े क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक क्वेश्चन के अंतर्गत ही क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए मैं क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस में उठाया हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल्ड अच्छे से समझा सकूँ। अगर एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो उसका मतलब आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो पूंजीवादी व्यवस्था में दबाव समूह, पूंजीवादी व्यवस्था आपको क्लियर हो गया होगा कुछ काफ़ी हद तक। तो दबाव समूह एक ऐसा ग्रुप होता है जो सरकार से बाहर, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा समूह जो सरकार से बाहर रहकर सरकार की गतिविधियों पर क्या करता है, दबाव बनाए रखने का काम करता है। ये एक लाइन में, अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। मैंने कहा कि दबाव समूह एक ऐसा समूह है जो क्या काम करता है, जो काम करता है कि सरकार से बाहर रहकर लोगों, जो एक आम नागरिक है, आम नागरिक के लोगों के बातों या समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करता है एक चुनौती के रूप में, मतलब उनके सामने रखता है कि आप इसे पूरा करने के लिए, अब पूरा नहीं, उसमें कमियां आदि चीज़ें गिनाने या कमियां करने के लिए ये सब सारी चीज़ें कार्य कौन करता है, दबाव समूह। आई होप समझ में आ गया होगा, फिर से सुन लीजिए। ये सरकार से बाहर रहकर व्यक्ति के सामान्य सामान्य मांगों को एक चुनौती के रूप में सरकार के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये सरकार का पार्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। कहीं कहीं क्वेश्चंस में आता है कि सरकार का क्या पार्ट है, नहीं, सरकार का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, ये बाहर होता है एक अनौपचारिक रूप में, एक असंगठित समूह के रूप में होता है, संगठित नहीं, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि समस्याओं को लेके उनके सामने प्रस्तुत करता है पूर्ति करने हेतु, ठीक है। अब प्रकार क्या है, तो आगे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, मजदूरी के लिए सौदा करना, मजदूरी के लिए सौदा करना। दूसरा है बेहतर कार्य दशाओं की मांग करना। आप गेस करते रहिएगा, अभी मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ। बेहतर नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की मांग करना। देखिए, पहले तो आप नियोक्ता समझते हो, यहाँ पे जो संचालक होता है, जो नियोक्ता आप समझते हो, जिसे कंपनी का जो संचालक है, जो मालिक है, वो नियोक्ता है, ठीक है, और कर्मचारी। तो बेहतर नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की मांग करना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कार्य, दबाव समूह का कार्य क्या है। पहली बात, मजदूरी के लिए सौदा करना, सौदा करना यहाँ पे चुनौती से आशा है, ठीक है, सौदा यहाँ पे ये नहीं है क्रय विक्रय, तो मजदूरी के लिए सौदा करना, तो ये काफ़ी हद तक है, लेकिन अभी हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। बेहतर कार्य दशाओं की मांग करना, ये बिल्कुल फिक्सली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल तुरंत है, बेहतर, इसमें कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा है जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। तो बेहतर कार्य दशाओं की मांग, इसके साथ साथ आप देखते हो कि और कौन सा है, बेहतर नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की मांग, ये भी आपका बिल्कुल सही लग रहा है, 2 और 3। अब क्वेश्चन आया कि 2 और 3 के हिसाब से आपके कहीं ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर बी वाले में और डी वाले में आपके दोनों जगह है 2 3 एक साथ, और ये बिल्कुल ए और सी गलत होता है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या तीनों सही है दोनों, तो देखिए आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि यहाँ पे सौदा का यहाँ पे क्रय विक्रय से यहाँ पे आशा नहीं है, बल्कि मजदूरी के लिए सौदा करना यहाँ पे चुनौती देने से है, ठीक है। तो उनकी जो समस्या है मजदूरी आधारित, उसके लिए क्या करना, उसे व्यवस्थित करना, ठीक है, नियोजित करना। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये भी अपने आप में सही है, ठीक है, ये भी अपने आप में सही है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। आई होप अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके अंदर कि हाँ मुझे कैसे लगा, या मैं अगले और क्या करा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता मुख्य विशेषता है। तो गरीबी हटाओ की राजनीति, भूमि सुधार जैसी गरीबी प्रतिकारक नीतियां,
कृषि उत्पादन के पीछे राज्य का बल लगाना, सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक इकाइयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना। ठीक है, तो पहले हम इसमें डिसाइड कर लेते हैं नियंत्रित अर्थव्यवस्था या योजनात्मक अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसको देखिए अर्थव्यवस्था मैंने समझाया है, जिसको अगर कोई भी डाउट होगा वहाँ पे जाके समझ लेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ। तो नियोजित अर्थव्यवस्था ये होती है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था या योजनात्मक, जो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत हित के लिए कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि सामूहिक हित के लिए कार्य किया जाता है। इसमें निजी स्वामित्व का अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि सामूहिक स्वामित्व का अस्तित्व होता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, ये सब इम्पोर्टेंट है। नियोजित, नियंत्रित या योजनात्मक अर्थव्यवस्था, कल्याणार्थ कार्य किया जाता है इसमें, इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब आइए चलते हैं, हम मुख्य विशेषताओं में जान लेते हैं। तो मुख्य विशेषता क्या हो सकती है। मुख्य विशेषता पहली देखिए, गरीबी हटाओ की राजनीति। तो ये भी क्या है, गरीबी हटाने की बात की जा रही थी, ये भी क्या है, अपने आप में कल्याणार्थ कार्य किया जाए तो सही है। भूमि सुधार जैसे गरीबी प्रतिकारक नीतियाँ, इनको भी क्या करना, इन भूमि सुधार करना, तो ये भी है सही। कृषि उत्पादन के पीछे राज्य का बल लगाना, यानी कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए राज्य का योगदान या उसका प्रयास, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सही है। अब इसके साथ फोर्थ आता है, सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक इकाइयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखिए निजी भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र का यहाँ पे जानते हो क्या है, ये पब्लिक के रूप में है, तो सिर्फ पब्लिक के रूप में, अगर वो पब्लिक ही करता है, जैसे पब्लिक यहाँ पे पब्लिक ही करेगा, मतलब सरकार ही करेगी, सरकार के ही हाथ में वो सब सारे अधिकार रहेंगे, तो इस प्रकार क्या होगा, ये तो पूंजीवादी समाज की विशेषता होगी, नियंत्रित व्यवस्था की कहाँ विशेषता हुई, तो ये क्या है अपने पे? पूंजीवादी समाज की विशेषता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी आर्थिक इकाइयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं सारे आंसर, आपको सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए। अब आगे हम चलते हैं। तो देखिए, तो सही सही उत्तर देखिए इसमें चुनना है, तो 1 2 3, 1 1 3 4, 2 4 और 1 2 3 4, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको ये वाला गलत बताया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब यहीं पे हम ब्रेक करते हैं अपनी बातों को, और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो भी होंगे नए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच।